तो क्या हालो दोस्तों, तो आज की सबसे पहली अपडेट आ रही बंटा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट फ्लोबॉय की ओर से। तो भाई ने अपना न्यू ट्रैक अनाउंस किया, ट्रैक का नाम है प्रोडिगी, जो कि 2 तारीख को हमको देखने के लिए मिलेगा बंटा रिकॉर्ड्स से, और उसका कुछ ऐसा पोस्टर आउट किया है। सो आप लोग रेडी रहिए भाई इस ट्रैक के लिए। एंड अगली अपडेट आ रही है सिकंदर कालून की ओर से। तो भाई ने अपना न्यू ट्रैक अनाउंस किया है, ट्रैक का नाम है 2022 फ्लो, जो कि 1 तारीख को हमको देखने के लिए मिलेगा। उसका कुछ ऐसा पोस्टर भाई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, रॉप्सी ने अभी 1-2 दिन पहले अपना एक ट्रैक आउट किया, उसका भी टाइटल यही है भाई, 2022 फ्लो। सो देखते हैं भाई सिकंदर कालून का ट्रैक कैसा होने वाला है। देन अगली अपडेट आ रही है बाली भाई की ओर से। तो बाली भाई ने एक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे रील शेयर करी है, और भाई बोल रहे हैं कि भाई ने जिस क्लब में अपना लाइव शो किया है, उस क्लब में 2 साल पहले भाई को आने से मना किया, मतलब बोले तो आने ही नहीं दिया अंदर। तो भाई ने क्या बोला आप लोग सुन लीजिए। 2 साल पहले बाहर खड़ा था, एंट्री चाहिए थी, कहते सर स्ट्राइक लगा हुआ। आज यहां पर आया इसने मेरे को, अरे तूने पता क्या बोला बाहर खड़े में क्या बोला था? कि भैंड चोद यही सो झाड़ पे भूलू मैं डाल के झटका भी देता और सीधा हलाल है। केबीसी खेलोगे मेरे सब सवाल है। बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल। देन अगली अपडेट आ रही है रावल की ओर से। तो भाई अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लाइव आए थे, एंड भाई ने बात करी उसमें अपनी न्यू एल्बम के बारे में और इक्का एंड कृष्णा के बारे में भी। तो आप लोग सुन लीजिए क्या बातें हुई। नेक्स्ट एल्बम इज गोइंग टू बी अ फकिंग क्लासिक ब्रो, लाइक अ फकिंग बेंचमार्क। रावल एक्स भाई 2 इज गोना बी इनसेन। इस पूरे देश में कोई नहीं है जो हम जैसा काम कर पाएगा, और जो कोई भी नहीं है जो हमारी वाइब दे सकता है, और हम गांड मार लेंगे ब्रो सेकंड एल्बम में। वी हैव फुल फेथ इन अस ब्रो। निशु में फीचर होगा, रावल एक्स डॉलर साइन। देन अगली अपडेट आ रही मुफासा रेक्स की ओर से। तो भाई ने अपनी तीसरी ईपी अनाउंस कर दी, जिसके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और भाई ने उसकी ट्रैकलिस्ट भी अनाउंस कर दी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एंड भाई ने एक और स्टोरी शेयर करी, और ये 31 तारीख को, मतलब कि बोले तो 1 तारीख को ये आपको देखने के लिए मिलेगी भाई के यूट्यूब चैनल से ईपी। सो आप लोग तैयार रहना और सब्सक्राइब कर सकते हो भाई के चैनल को भी। एंड भाई ने एक और स्टोरी में दिखाया कि भाई ने अपनी एक ईपी कब आउट करी थी, दूसरी कब और तीसरी कब, बोले तो भाई 1 साल में तीसरी ईपी है भाई की, सो काफी अच्छी बात। तो भाई ने अपनी ईपी के एक ट्रैक का स्निपेट भी सुनाया, तो आप लोग सुन लीजिए भाई कौन सा ट्रैक होने वाला है। देन अगली अपडेट आ रही है बंटा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट हिटजोन की ओर से। तो भाई का आज एक ट्रैक आउट हुआ है, ट्रैक का नाम है मुसाफिर फ्रीवर्स, तो आप चेक कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और भाई लाइव आए थे, और भाई से पूछा गया था भाई कलमकार के बारे में, एमसी स्टैन के बारे में, तो आप लोग सुन लीजिए भाई ने क्या बोला है के बारे में कुछ। भाई इज अमेजिंग, लेट्स कीप ड्रॉपिंग ट्रैक्स, गाने डालते रहो बाबा सब लोग, बस सबके लिए प्यार, कोई किसी के लिए कोई हेट नहीं। भाई कलमकार को पीछे छोड़ देगा भी यार नहीं ब्रदर, सब लोग सही है, सब सही चल रहे हैं। भाई आपको एमसी स्टैन भाई कैसा लगता है? भाई वो क्रेजी है, बहुत सही लगता है मेरे को उसका। उसका मैंने एक गाना सुना है, एक गाना क्या, मैंने सब गाना सुना, बाकी एक गाना जो पर्सनल फेवरेट है, कहाँ पर 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 है। एंड अगली अपडेट आ रही है कलम इंक की ओर से। तो भाई ने स्टोरी शेयर करी और लिखा कश्ती, तो शायद कश्ती करके भाई का कोई ट्रैक आने वाला हो, तो देखते हैं। और कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एंड एमसी इनसेन एक्स नास दोनों भाइयों का कोलैबोरेशन ट्रैक 1 AM, जो कि हमको 31 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, उसका प्रीमियर रिमाइंडर सेट हो चुका है, और उसका टीजर भी भाई आउट हो चुका है। सो आप लोग चेक कर सकते हो भाई टीजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड संजय ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ऐसी पोस्ट शेयर करी, कैप्शन में लिखा क्या हाल है, एल्बम आ रही है 2022 में, तैयार हो क्या। सो देखते हैं भाई एल्बम आ रही है भाई। क्लिप डेट आ रही है जस भाई की ओर से। तो भाई ने ऐसी स्टोरी शेयर करी कुछ, सो 6 तारीख को आप लोग रेडी रहिए, भाई की ईपी आने वाली है। एंड हेलाक जो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे लाइव आए थे, और वहां पे ना भाई ने अपना एक अनरिलीज ट्रैक सुनाया, जिसमें भाई रफ्तार एंड कृष्णा को डिस कर रहे हैं, तो वो वीडियो मैंने डाल दिए, तो आप लोग चेक कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी, एंड ये वाली वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भाई लोगों अभी तो यही अपडेट है, और कुछ अपडेट आएगी दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।